हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं राइस बॉल। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। जब भी हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करता है तब हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं राइस बॉल किस तरीके से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं राइस बॉल। तो हमने यहाँ पे बने हुए चावल, ये देख सकते हैं आप, पके हुए चावल ले लिए हैं और ये है एक कटोरी के लगभग। और इसी क्वांटिटी में हमने राइस का जो आटा है, चावल का आटा, ये भी हमने बराबर क्वांटिटी में लिया है। अगर आपके घर में एक कटोरी चावल है तो आप एक कटोरी ही चावल का आटा ले लें। और यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है, थोड़ी बड़ी साइज़ की काटना है, एकदम बारीक चौक नहीं किया है हमने इसे। और यहाँ पर हमने बॉयल आलू ले लिया है, इसे कद्दूकस करके रख लिया है। इसकी भी क्वांटिटी, चावल जितने हैं हमारे, राइस है उतनी ही क्वांटिटी है। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, एक चम्मच सौंफ है, एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच खड़ा धनिया है और लाल मिर्च का पाउडर हमने एक चम्मच लिया है, एक चम्मच नमक है और आधी चम्मच लिया है हमने हल्दी का पाउडर। फ्राई करने के लिए हमने लिया है कुकिंग ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसमें हमारे जो राइस है इसे हम डाल लेंगे। और इसमें हम डालेंगे राइस का आटा, प्याज डालेंगे, बॉयल आलू, और कुछ खड़े मसाले जो हमने लिए हैं, धनिया, जीरा, सौंफ और हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची, ये सारी चीज़ें हम इसी तरीके से डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, सादा पानी नहीं है, इसे बॉईल कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म पानी से इसका डो जो है हमें तैयार करना है। तो हम इसे गर्म पानी से, और यहाँ पे ध्यान रखें कि पानी आप बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालें। और मीडियम साइज़ का इसका डो तैयार करना है, जैसे कि पूड़ी का होता है। तो इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसका आटा तैयार कर लिया है और इसकी हम बना लेंगे बॉल्स। छोटी छोटी साइज़ की बॉल्स हम तैयार करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके की बॉल्स बनाएंगे हम। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है, अब आगे की तैयारी करते हैं। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म आपको रखना है और उसके बाद आपको फ्लेम लो कर देना है। तो हम फुल फ्लेम रहेगी जब हम इन बॉल्स को डालेंगे। तो इन सारी बॉल्स को हम डाल देते हैं। और इसे हम चला देंगे, हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो हमारी बॉल्स जो है टूट भी सकती है। तो आप आराम से इसी तरीके से हिलाएं इनको, और एक बार चलाने के बाद हम इसे फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारी जो बॉल्स है बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो देखिए, मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है बॉल्स को, और लो फ्लेम पे पकाया है। जब हमने इसे डाला था तो फुल फ्लेम थी, और बीच में मैंने इसको लो फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते गए और पका लिया। कलर बहुत ही अच्छा आया है, खुशबू आने लगी है और ये ऊपर तैरने लगी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पक चुकी है। तो अब निकाल लेंगे इसे। हमने सारी बॉल्स फ्राई कर चुके हैं और ये देखिए, बहुत ही अच्छी दिख रही है। थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। तो देखिए, हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और इस तरीके से हम इसमें सॉस लगा देंगे। ये देखिए, जितना भी आप सॉस पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टिक ले ली है, आप इस तरीके से स्टिक लगा लें इसके अंदर। ये देखिए, बहुत ही अच्छी दिख रही है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्टिक लगी हुई कोई भी चीज़ें हो, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, और अगर प्लेन खाना चाहें तो आप इस तरीके से प्लेन भी खा सकते हैं। ये देखिए,
इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। ये देखिए, तो जो भी आप पसंद करते हैं, ड्राई पसंद करते हैं तो ये ड्राई भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बॉल्स बनी है हमारी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।